मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 के क्वार्टर फाइनल्स की, जहां पर भारतीय टीम हमें खेलती हुई नजर आई हांगकांग के खिलाफ। और इस करीबी क्वार्टर फाइनल में भारत ने इस मुकाबले को 3-2 से जीतते हुए सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। वही बात करते हैं तो आज के इस मुकाबले में भारत से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि काफ़ी कंफर्टेबली भारत इस क्वार्टर फाइनल्स को जीत जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और हांगकांग ने ज़रूर भारत को चौंकाया है। और एक ऐसा समय आया था जहां पर भारत बिल्कुल बाहर होने के कगार पर खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ से मेंस डबल्स जोड़ी चिराग और ध्रुव ने उसको संभाला और भारत अल्टीमेटली आज के इस क्वार्टर फाइनल्स को जीत गया। बात करेंगे सबसे पहले हम मिक्स डबल्स की, जहां पर हमें ईशान और तनीषा की जोड़ी खेलती हुई नजर आई और स्ट्रेट सेट्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो अपने मुकाबले को 24-26, 17-21 से हार गए और भारत को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। उसके बाद बारी आई मेन सिंगल्स की, जहां पर HS प्रणॉय को रेस्ट देकर लक्ष्य सेन हमें खेलते हुए नजर आए हांगकांग के प्लेयर एनका लॉन्ग एंगस के खिलाफ, जहां पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि लक्ष्य सेन इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन वहां पर भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। और इस 3 सेट तक गए मुकाबले को लक्ष्य सेन 22-20, 19-21, 18-21 से हार गए, जिसके बाद हांगकांग 2-0 की लीड में जा पहुंचा। उसके बाद बारी आई मेंस डबल्स की, जहां पर चिराग और दूसरी और ध्रुव कपिला हमें खेलते हुए नजर आए और ये मेंस डबल्स का मुकाबला भी 3 सेट्स पर ही जाकर रुका। पहला सेट भारतीय पैर हार गया था, लेकिन उसके बाद हमें कमबैक ज़रूर देखने को मिला और इंडिया इस मुकाबले को 20-22, 21-16, 21-11 से जीत कर ध्रुव और चिराग ने भारत को वापसी कराई, जिसके बाद स्कोर 2-1 पहुँच गया। वहीं बारी आती है विमेन सिंगल्स की, पीवी सिंधु हमें हांगकांग की प्लेयर सलोनी के खिलाफ खेलती हुई नजर आई, जहां पर हमें 3 सेट्स ही देखने को मिले और इस मुकाबले को सिंधु ने अपने नाम किया और वो इस मुकाबले को 16-21, 21-7, 21-9 से जीत गई। फिर बारी आती है डिसाइडिंग मुकाबले की, क्योंकि जो स्कोर था वो दोनों टीम्स के बीच टाई हो चुका था 2-2 का। फिर पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी विमेंस डबल्स पेयर ऑफ ट्रेसा जोली एंड गायत्री गोपीचंद, और काफ़ी ही शानदार और बिल्कुल कॉन्फिडेंट ये इंडियन पेयर हमें नज़र आया। आज के दिन जितने भी भारत की तरफ से हमें खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आए, सबसे ज़्यादा बेहतरीन और कॉन्फिडेंस के साथ खेल इस भारतीय यंग जोड़ी ने खेला और काबिले तारीफ़ के साथ उन्होंने इस मुकाबले को जीतते हुए भारत को सेमीफाइनल्स में एंट्री कराई। उन्होंने इस मुकाबले को स्ट्रेट सेट्स में 21-13, 21-12 से जीतते हुए भारत को सेमीफाइनल्स का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया। और इसी के साथ भारत कल के दिन हमें अपना सेमीफाइनल्स खेलती हुई नज़र आएंगी। बात की जाए सेमीफाइनल्स में पहुंचने के साथ साथ भारत सुधीरमन कप के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। तो आज का दिन काफ़ी ही टफ ज़रूर था इंडियन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है एक्सेप्ट द यंग पेयर ऑफ ट्रेसा एंड गायत्री। और हम उम्मीद करेंगे कि कल के दिन सेमीफाइनल्स में भारत कुछ बेहतर खेलता हुआ हमें नज़र आए आज के दिन के कंपैरिजन में। कल के दिन भारत चाइना या फिर मलेशिया के खिलाफ हमें खेलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी इन दोनों टीम्स के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसका नतीजा नहीं निकला है। और इसके अलावा एक और कल के सेमीफाइनल्स में देखने वाली बात यह होगी कि मेंस सिंगल्स में भारत की तरफ से हमें लक्ष्य सेन खेलते हुए नजर आएंगे या फिर HS प्रणॉय। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आप किनको देखना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स में से किन्हें कल के दिन मौका दिया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।